हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हैवी बॉर्डर वाली साड़ी को किस तरह से आप ड्रैप कर सकती हैं, जिससे आपका लुक स्लिम एंड टॉन नज़र आएगा। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, जिनकी हेल्प से आप परफेक्टली एंड इजिली साड़ी को ड्रैप कर सकती हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है मैंने। यहाँ पर मेरा जो फुटवेयर है वो हील वाला, इसलिए पहले वेयर कर लूँ ताकि साड़ी बांधने के बाद ऊंची नीची ना हो जाए। यहाँ पर शेफवेयर पेटीकोट का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम अपनी साड़ी को खोलेंगे। जब भी हम अपनी साड़ी को खोलते हैं उसका पल्लू वाला पोर्शन हमें पहले पकड़ना है, और पल्लू वाले पोर्शन को रखना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। बाय द वे, आपको साड़ी परचेज करनी है, परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी साड़ी का आखिरी सिरा है। तो आखिरी सिरे को रखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ और सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कमर में टक करते हैं। तो पहले मैंने राइट में टक किया, इसके बाद लेफ्ट में। अब जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको अच्छे से पेटीकोट में इंसर्ट करना होता है, ताकि फैब्रिक सामने फंस के टंबी फूली फूली ना दिखे। तो यहाँ पर अच्छे से जब सामने का पार्ट हमारा टक हो जाएगा तो हम साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे। जब हम इस तरह से वन राउंड लेते हैं तो राइट साइड की तरफ जब आएंगे तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को सेट करेंगे। सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक कर लिया है। इसके बाद बैक के पार्ट को अच्छे से हम पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है वो नीट क्लीन टाइट फिटिंग होती है, जिससे हमारा लुक परफेक्ट नज़र आता है। अब जब फर्स्ट राउंड की टकिंग हो जाती है तो साड़ी को लेते हुए उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमें पल्लू वाला पोर्शन मिल जाता है तो बाकी साड़ी को सामने छोड़ना है, केवल पल्लू वाला पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। एंड यहाँ पर पल्लू वाला पोर्शन हमें सामने लेकर आना है। अब देखिए, इस तरह से दूसरा कॉर्नर लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकते हैं, तरीका सेम ही रहेगा। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी राइट साइड से प्लीट उठाना, इसलिए लेफ्ट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टक किया ताकि प्लीट्स बनाने में आसानी हो। और यहाँ पर देखिए, सामने की टू फिंगर को कैची की तरह करना है, बैक के स्मॉल फिंगर और थंब से आपको फैब्रिक को पकड़ना है, जितनी चौड़ी की आपको प्लीट्स लेनी है। एंड इसके बाद हम वन बाई वन प्लीट बनाना शुरू करेंगे। जब हम प्लीट बनाते हुए आएंगे तो जो सबसे ऊपर हमारी प्लीट आ रही है ना, ये वाली देखिए फर्स्ट, इसको आपको सभी प्लीट से हल्की सी चौड़ी रखनी है। तो ये सभी के बराबर थी, तो इसलिए मैंने दो प्लीट खोलकर इसे थोड़ी सी चौड़ी कर लिया है। ऐसा करने से हमारी अंदर की अनइवन प्लीट्स ढक जाती है और जो हमारी प्लीट्स है ना, काफ़ी परफेक्टली बन जाती है। अब प्लीट्स बन जाने के बाद लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है प्लीट्स को, फैब्रिक को आगे लेकर आना है, हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए शेक करेंगे एंड साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार में हम शोल्डर की प्लीट्स नहीं बना रहे, थोड़ा थोड़ा पार्ट इस तरह से हमें अरेंज करना होता है। सो अगर आप बिगनर हो तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी एक बार में शोल्डर की प्लीट्स ना बनाएं। थोड़ी सी दूरी पे इस तरह से हमें प्लीट्स को अरेंज करना है। सो इतना प्लीट हमने अरेंज कर लिया, तो लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हो पल्लू की प्लीट्स को। हम देखिए लेफ्ट हैंड से पकड़े हुए हैं एंड आगे जो हम प्लीट्स को अरेंज कर रहे हैं वो सेम प्रोसेस ही है। तो देखिए, साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। झटकने से क्या होता है, हमारी आगे वाली प्लीट्स हमें नज़र आती है और हम इजिली से अरेंज कर पाते हैं। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। सो यहाँ पर देखिए, मैं घुटने से नीचे रखी हूँ क्योंकि पल्लू लॉन्ग लेने से हमारा जो लुक है वो टॉन नज़र आता है। सामने की प्लीट को भी एक बार अच्छे से अरेंज कर ले, ताकि सामने जब आप प्लीट को सेट करें बॉर्डर को अपने पल्लू को, तो प्रॉब्लम ना आए। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करना है। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे एक या दो इंच बैक में जाएंगे। पल्लू की प्लीट्स हम ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन हम ब्लाउज के अंदर से लगाते हैं। कभी भी आप पल्लू को इस तरह से अगर सिक्योर करेंगे, पल्लू आपका सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा, अच्छे से शोल्डर पर सेट रहेगा। सो यहाँ पर देखिए, पल्लू हमारा सिक्योर हो चुका है। तो अब हम सामने की तरफ आएंगे और पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर होता है ना, सबसे पहले उसे अपने चेस्ट पर इस तरह से सेट करना है। अब जब हम सेट करते तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, या तो नेक के ऊपर हमारी बॉर्डर चढ़ जाती है या फिर जो शोल्डर की प्लीट है ना, कुछ देर बाद इधर उधर होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए, शोल्डर की प्लीट को हम सामने की तरफ थोड़ा सा अरेंज करेंगे, दो इंच या ढाई इंच के करीब सामने आकर। और ये जो अंदर वाला बॉर्डर है ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको प्लीट बना लेना है, हल्का सा फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इस तरह से रखते हुए। एंड ये जो प्लीट हमने बनाई इसके साथ शोल्डर की प्लीट को सेट कर लेना है इस तरह से पकड़ते हुए, और फर्स्ट वाली प्लीट को हटाना है ब्लाउज के साथ लेते हुए। इन प्लीटों को आपको छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के अंदर से सिक्योर कर लेना है। अब इस तरह से सिक्योर कर लेने से जो हमारी शोल्डर की प्लीट है वो भी इधर उधर नहीं होगी, और देखिए हमारा पल्लू जो है ना, बॉर्डर इस तरह से अच्छे से चेस्ट पर सेट रहेगा। देखिए बॉर्डर टू बॉर्डर हाईलाइट हो रहा है, कितना अच्छा लुक आ गया है।
अब पल्लू वाला पोर्शन जो बैक से घूमते हुए हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया है, इसको हमें सेट करते हुए अपने हिप पर देखिए इस तरह से सेट करते हुए राइट हैंड साइड तक लेकर आना है। ये जो राइट वाला पैर है ना, इसके थोड़ा सा आपको आगे जाना है इस तरह से राइट हैंड साइड तक। अब इतना फैब्रिक मेजर करके हम छोड़ देंगे, इसकी हमें प्लीट्स नहीं बनानी है। इसके बाद जितना भी फैब्रिक बच जाता है इसकी हमें प्लीट्स बनानी होती है। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती है, तरीका सेम ही रहेगा। सो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड तक मैंने साड़ी के फैब्रिक को खोल लिया है एंड लेफ्ट हैंड साइड से मैं प्लीट उठाना शुरू करी। तो जो फैब्रिक मेजर किया था इसको छोड़ते हुए स्मॉल फिंगर और थंब से फैब्रिक को पकड़ना है। सामने की टू फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम वन बाय वन प्लीट बना रहे हैं। यहाँ पर प्लीट की साइज़ मैंने बहुत चौड़ी नहीं रखी क्योंकि फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट का है, तो इजिली से इनकी प्लीटें अरेंज हो जाती है। अब देखिए जब हम प्लीट बनाते हुए आते हैं ना, जो सबसे ऊपर वाली प्लीट होती है यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक बच जाता है हमारा, तो इसको हम बाद में मैनेज करेंगे। अभी ये जो प्लीटें बन गई इनको अच्छे से अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक ही बार में प्लीट हमारी बन चुकी है। ये आपको देखने में बिल्कुल इक्वल लगेगी, फिर भी आपको इसे अरेंज करना होता है। सो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैप भी रखते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि सभी प्लेट्स हमारी उभर के नजर आए और नीचे से जो अनइवन फॉल साइड हो जाती है ना, कई बार अंदर की प्लेट ऊपर की तरफ दिखने लगती है, तो वो वाली प्रॉब्लम जो है ना नहीं आती। अब देखिए फर्स्ट प्लेट को हमने खोल लिया है टमी के सामने रखते हुए सभी प्लेट को पकड़ते हुए, और पहली प्लीट में जितना भी राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको लेते हुए मैंने पहली वाली प्लीट को यहाँ पर चौड़ी कर लिया है। अब अंदर साइड से एक एक प्लीट को पकड़ते हुए इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ खींचना, थोड़ा सा झटक देना है। प्लीट्स हमारी काफ़ी अच्छे से अरेंज हो चुकी है। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए हमें मेज़र करना हमें कितना पार्ट अंदर टक करना है। फाइनली वहीं पर हम प्लीट को अरेंज करेंगे, तो साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करना है। नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हम पेटीकोट में टक करेंगे। टक करते वक्त सामने की प्लीट को तब तक ना छोड़े जब तक कि फैब्रिक अंदर तक ना चली जाए। प्लीट्स टक हो गई, अगर आपको लगता है कोई प्लीट दब गई तो हल्का हल्का स्प्रेड कर ले। इसी को कहते हैं हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैपिंग, जिससे हमारी सभी प्लीट्स उभर के नजर आती है। अब देखिए राइट साइड का जो पार्ट ओपन है उसको और खोलना है, जिसमें हमारा राइट हैंड इजिली से जा सके। अब लेफ्ट हैंड साइड के फैब्रिक को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो सामने की प्लीट को हम सिक्योर कर लेंगे। तो एक बड़ी सी सेफ्टी पिन के इस्तेमाल से इन प्लीट को हमने सिक्योर कर लिया। अब ये प्लीट तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप ना चाहे, आप पूरे दिन क्या एक या दो दिन तक भी साड़ी को ड्रैप करके रख सकते हो। अब देखिए पल्लू वाले पोर्शन से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेते हुए खींचते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आना है। लेफ्ट साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका निकल कर आगे, इसको मैनेज करने के लिए जो राइट साइड की तरफ पार्ट ओपन किया उसमें राइट वाले हैंड को इंसर्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को राइट की तरफ पकड़ के खींचना है। तो देखिए जैसे आप खींचेंगे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का हिप वाला पोर्शन है वो फीडेड होने लगता है। आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो। सो इस तरह से देखिए आपको खींचना है, ये देखिए कितना टाइट हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका लेफ्ट वाला राइट की तरफ निकल कर आया है ना, इसको इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके कमर में टक कर लेना है। अब जो ऊपर की लेयर हमने ओपन कर रखी है इसको भी हम यहीं पर टक करेंगे। ये वाला जो राइट साइड का पार्ट है ना, जो अभी मैं टक कर रही हूँ, ये आपका कभी भी पल्लू से कवर हो जाता है। अब पल्लू की प्लीट्स को एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है, आपकी एक भी प्लीट्स छूटी या दबी ना हो अच्छे से चेकआउट कर ले। एंड इसके बाद से जो हमारे फाइनल लुक है ना, आप यहाँ पर देख सकती हैं। सो इस तरह से आप इजीली एंड परफेक्टली बिना किसी की हेल्प के बॉर्डर वाली साड़ी को ड्रैप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।